हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज इतने दिनों तक ये शेयर एएसएम लिस्ट में था, ग्रीन पैनल बीई लिख के आता था, पर अभी इसका ये टैग हट गया है क्योंकि ये शेयर उसमें से बाहर आया। और जैसे ही बाहर आया, देख सकते हो आप, इसमें अपर सर्किट लग गया है। अगर मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो अपर सर्किट शेयर में लग गया, यहाँ लिस्ट से बाहर आया, उस दिन भी लगा और बीते ट्रेडिंग सेशन में भी ये अपर सर्किट पे लग गया। अभी ये कंपनी पे बहुत बढ़िया चांस है, लेवल है अभी फिलहाल, और इसको जो ब्रेकआउट देना था 278 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो इसमें इन्वेस्ट करना था। वैसे ही हुआ, 278 के ऊपर अभी ब्रेकआउट दिया और अपर सर्किट पे 294 पे फिलहाल क्लोज है। तो ये कंपनी अगर देखा जाए तो फंडामेंटली काफी बढ़िया है और यहाँ से भी ये कंपनी ऊपर के लेवल और ऊपर के लेवल दिखाएगी। अब इसके फंडामेंटल देखते तो 3605 करोड़ की कंपनी, और इसका मेन जो काम है इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स, एमएफडी, एमडीएफ बोलते इसको, और अलाइड प्रोडक्ट्स। तो इसमें ये कंपनी ओवरऑल वर्क करती है। अगर इसका फेस वैल्यू देखा जाए तो 1 है स्प्लिट होने के बाद, और इसका पी अभी भी सस्ता है, 26 के पी पे मिल रहा है कंपनी। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जो बाकी कंपनीज है ये जो एमडीएफ प्रोडक्ट में, तो वो कंपनी के वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और ये अभी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। सबसे मेन बात, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है और एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, आने वाला रिजल्ट इनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो इस पे आपकी एक नजर रखनी चाहिए कि ये कंपनी भी कैसे परफॉर्म करके आने वाले टाइम में, और इसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। क्योंकि सेंचुरी प्लाईबोर्ड देखा जाए तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड वो नाम से ही चलता है, ये कंपनी भी आने वाले टाइम में अपने नाम से चलेगी, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। इसमें टारगेट बहुत ऊपर के है। अगर इसमें प्रमोटर की भी बात देखी जाए तो देखो, प्रमोटर के पास 53.10% है, यहाँ FIIs ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, DIIs के 18% है और पब्लिक के पास 22% है। तो ग्रीन पैनल बिल्कुल होल्ड करके चलो, यहाँ से भी ये शेयर आपको आराम से 500 तक के लेवल दिखाएगा। अगर चार्ट पे हम देखेंगे तो चार्ट पे कुछ दिख नहीं रहा, इधर सिर्फ ऊपर के ही लेवल अभी आएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? स्टॉप लॉस आपको रखना है 260 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलो, टेंशन वाली कोई बात नहीं।